जय हिंद दोस्तों। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनका परिचय के मोहताज नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, वो फॉरेन कंट्रीज में खेल चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि स्पोर्ट्स में उन कैरियर कैसे बना सकते हैं, खेल के बारीकियों के बारे में वो बताएंगे। उनका मेजर गेम फुटबॉल है, फुटबॉल के बारीकियों में बताएंगे। आप इनको आसानी से गूगल पे सर्च कर देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। नाम है मनीष मैथानी। सर, सर आप सर कहाँ क्या क्या खेले हैं सर आप? सबसे पहले तो YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनीष मैथानी है और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियाड गेम्स 2010 गांगजाओ, उसके बाद 2009 सैफ कप में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, AFC चैलेंज कप श्रीलंका और बहुत सारे अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट्स में मैंने अपना प्रतिभाग किया। और साथ ही साथ मैंने प्रोफेशनल करियर भी है मेरा 14 से 15 साल का, जिसमें मैंने भारत के बड़े बड़े क्लब्स जैसे मोहन बगान, माउंट स्पोर्टिंग, ISL में इंडियन सुपर लीग, इंडियन नेशनल क्लब, हिंदुस्तान क्लब में खेला है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं हमारे छोटे भाई चंदन के साथ हूँ और यहाँ खेल की बारीकियों को बताने के लिए आप सबका थोड़ा मदद कर सकता। सर हमें उसके बारे में बताइए, जब मैंने स्पोर्ट्स में आपको टीवी पे देखा था 10 स्पोर्ट्स में, जिसमें शायद ऋतिक रोशन की टीम से, आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ देखिए, वो एक इंडियन सुपर लीग है जो आज की मतलब जो IPL की तर्ज पर फुटबॉल की लीग चल रही है और इसका आजकल प्रसारण भी हो रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप वो जरूर देखें। एक्चुअली वो एक इंडिया का सबसे टॉप लीग है आज की डेट में, जहाँ पे विदेशी और अपने देश के बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं, जो एक इंडिया का सबसे ऊँचा स्तर है। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है और एक प्रोफेशनल प्रोसेस में जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप एक छोटे लेवल से अगर आप इस प्रोसेस में रहेंगे तो डेफिनेटली आप अगर उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक दिन ज़रूर बड़े लेवल पर पहुँचेंगे और भारत का क्लब, भारत का नाम और अपने बड़े बड़े क्लब्स में भी ज़रूर खेलेंगे। जो बच्चे फुटबॉल में कैरियर बनाते हैं, बनाना चाहते हैं, जो बिल्कुल अभी फुटबॉल के बारे में जानते नहीं हैं लेकिन उनको और रुचि है खेलना चाहते, वो कैसे आगे बढ़े, क्या करें, वो किस क्लब में जाए, क्या करना चाहिए? जो छोटे बच्चे, सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है। छोटा बच्चा कम से कम 6 से 7 साल का बच्चा है, वो खेलना चाहता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को लेकर उसको जाना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कहीं भी अकेडमी ज्वाइन कीजिए, कहाँ जहाँ खेल होता है वहाँ जाइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी छोटे, जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप ऊँचे स्तर पर पहुँचेंगे और आपको वहाँ पहुँच के बहुत लंबा करियर आप बना सकते हैं। उसके लिए आप अपनी आज की डेट में बहुत अच्छी अच्छी अकेडमीज़ हैं जहाँ पे आप अच्छे अच्छे कोचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सबसे मेन चीज़ है आपको रेगुलरिटी रखनी है, आपको ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। इस एज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ़न, फ़न के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन पर लोड डालेंगे तो बच्चे साइकोलॉजिकली या कंसंट्रेशन उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसी संस्था बताइए जो बच्चे वहाँ से वहाँ पर एडमिशन ले सके, यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करें या आपसे मतलब आपके थ्रू वो जाना चाहे, या कैसे इसमें बच्चे अभी वो जानते नहीं हैं ये मतलब पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ ये संस्था है, कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये इसके बारे में बताएं। देखिए आजकल जितने भी ISL क्लब्स हैं, आई लीग क्लब्स हैं, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने ग्रास रूट पे काम करें, एकदम नीचे स्तर पे काम करें। तो उन सब की अपनी अपनी बहुत अच्छी अकेडमीज़ हैं आजकल, और बाकी कुछ प्राइवेट अकेडमी भी हैं। देहरादून में मेरा खुद का अकेडमी भी, अगर कोई उस तरह उस जगह का है, आसपास का है, तो मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। आप कहाँ से हैं सर? मैं देहरादून से हूँ और मेरी अकेडमी का नाम है दून एलीट सॉकर अकेडमी और मैं देहरादून में कोचिंग कराता हूँ। अगर कोई आसपास का है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जितने भी ISL के क्लब्स हैं आज की डेट में, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल में अवेलेबल है ईजिली, तो आप वहाँ से कहीं भी अपने पास में जो अकेडमीज है उसको ज्वाइन करें। मेन चीज़ है आप रेगुलर जाएं वहाँ पे, आप फ़न के साथ ज़रूर सीखें और जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे। सर आपका अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या कर? एक्चुअली मैं अभी खेलना मैंने अभी 2 साल पहले छोड़ दिया और अभी मैं CAG CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें मैं अभी कर रहता हूँ और देहरादून में ही पोस्टेड हूँ। और रही बात फुटबॉल के बारे में जो हम बात कर रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम फुटबॉल में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फुटबॉल एक फिजिकलिटी का गेम है, ये एक टीम गेम है, तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप सही प्रोसेस में आए, प्रोफेशनल सेटअप में जाएं। ऐसे नहीं है कहीं भी आप जा रहे हैं, क्वालिफाइड कोचेज़ के अंदर जाएं, क्योंकि खाली अच्छा खिलाड़ी गेम को नहीं उठाता, अच्छा कोच पहले खिलाड़ियों को बनाता है, तो कोच क्वालिफाइड ढूंढिए।
जहाँ पे अच्छा सेटअप हो, अच्छा ग्राउंड हो, अच्छा चेंजिंग रूम्स हो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है अगर आप बहुत छोटे स्तर से स्टार्ट करें। ये भारत का सबसे अच्छा क्लब में से एक क्लब माना जाना है, माना जाता है मोहन बगान, उसमें आपने काम किया है, उसका एक्सपीरियंस बताइए सर। आप देखिए, जब मैं कल दिल्ली लीग में था और वहाँ पे मुझे बेस्ट प्लेयर मिला, तो जो हमारे कोच थे मिस्टर बर्नार्ड, वो मुझे वहाँ पे ट्रायल पे लेके गए थे। तो वो मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत हटके था, क्योंकि मैं एक छोटे लेवल पे खेल रहा था, दिल्ली लीग में खेल रहा था, और वो जो है इंडिया का टॉप लेवल था। तो मुझे जब वहाँ पे ट्रायल पे भेजा गया, तो मैं अंदर से भी काफ़ी नर्वस भी था, बट एक तरह से एक्साइटेड भी था और कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैंने दिल्ली लीग में दी थी, जिसमें मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो वो कॉन्फिडेंस लेकर मैं वहाँ पे गया। और सबसे मेन चीज़ जो मेरे कोच ने मुझे बताई थी कि डरना नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखना है और आपको ऑल आउट देना है, 100% देना है, कोई बाद में रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। तो बस वो कोच ने जो बताए हुए मेरे को 3-4 पॉइंट्स थे और मेरा कॉन्फिडेंस था, उसके साथ मैंने वहाँ जाकर ट्रायल दिया और मेरे को उन्होंने सेलेक्ट किया। आप फॉरेन कंट्रीज में कहाँ कहाँ तक खेले हैं सर, कहाँ पे किस कौन से कंट्रीज में गए? मैं एक्चुअली 20-25 कंट्रीज़ में गया हूँ टोटल, और मैंने एशिया चाइना में खेला था। ऐसे हम ISL के जो प्री सीजन कैंप्स होते हैं उसमें स्पेन, टर्की, इटली और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में हम जाते हैं। इंडिया टीम के साथ मैं दुबई में 2.5 महीने और अन्य काफ़ी कंट्रीज़ में भी मैं रहा हूँ। तो फॉरेन कंट्री में इसीलिए फुटबॉल आ गया क्योंकि उनका सेटअप अच्छा है, कोचेज बहुत क्वालिफाइड है, वहाँ पे एकेडमी बहुत अच्छी। यही सर, यही मैं कहना चाह रहा था, तो ये फुटबॉल जो है अन्य फॉरेन कंट्रीज में इसको ज़्यादा इसको बढ़ाया जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन मेरे यहाँ क्या देखा जाता है, क्रिकेट के लोग लेकर इसमें बच्चे भी बहुत जागरूक रहते हैं, उसी के प्रति खेलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए सर? देखिए, सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है आजकल, जैसे ISL आ गया, अभी यूथ लीग्स चालू हो गए, हमारे अंडर 13, अंडर 15, अंडर 18 लीग यूथ लीग्स हो गई, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ऑर्गेनाइज कराता है, हर जोन में होते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल पे भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है छोटे बच्चों के लिए और सरकार उसमें कर रही है, काम कर रही है। हमें बस खाली इस तरफ ध्यान देना है कि हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम बहुत छोटी उम्र में उसमें इन्वॉल्व कर सके, जहाँ 100 खेल रहे हैं हमें 500, 800, 1000 बच्चों को उसमें जोड़ना चाहिए, उनके पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जितने बच्चे फील्ड पे आएंगे उतना ज़्यादा टैलेंट हम निकाल सकते हैं। सर, एक चीज़ और बता रहे हैं, स्पोर्ट्स कोई भी सारा स्पोर्ट्स हो, वो फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो या अदर भी कोई भी गेम हो, उसमें डाइट्स का बहुत ही वैल्यू है। आप सर कई सारे कंट्रीज़ में खेले हैं और मोहन बगान जैसे क्लब में आप खेले हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ सर, आप कहीं ना कहीं फिट हैं और तभी आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपके फिटनेस का राज क्या है, आपका डाइट क्या है? लेकिन फिटनेस का राज ऐसा जैसा कुछ नहीं, खाली डाइट ही नहीं है एक्चुअली इसमें जो है, आपको रिकवरी, न्यूट्रिशन के साथ आपको रेस्ट, आपका ये एक 24/7 जॉब है, 24 घंटे करने वाला जॉब है। ऐसे नहीं आप 2 घंटे ग्राउंड पे आए और अब बस हो गया। अगर आप ग्राउंड पे जाना है तो आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि आपको 100% देना है ग्राउंड पे, तो आपको क्या चाहिए, आपको बॉडी फिट चाहिए। फिर जब आप बॉडी ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको रिकवरी चाहिए, जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी रिकवर करे और आप अगले दिन के लिए फिर फ्रेश रहें, ताकि आप दोबारा 100% अपना दे सके ट्रेनिंग से। तो खाली अच्छे कोचेज, अच्छा ग्राउंड, अच्छे ट्रेनिंग के साथ साथ हमें रिकवरी, स्लीप, रेस्ट और न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिलकर अच्छे लेवल पर हम करते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छे आते हैं और आप देख रहे हैं कि आज की डेट में इंडिया टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और छोटे स्तर से हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाल ही में काफ़ी सारे हमने इंटरनेशनल अंडर 20, अंडर 18, अभी हमने AFC क्वालीफाई भी किया है, कुवैत को भी हराया है। तो हमारी टीम क्योंकि छोटे लेवल पर भी वो प्रोसेस आ गया है, तो डेफिनेटली हमारी टीम भी इम्प्रूव कर रही है और आने वाले समय पर और ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। सर, मैं आपके पर्सनल जब टेनिस स्पोर्ट्स पे आपका सीधा लाइव प्रसारण हो रहा था, मुझे आपका वीडियोस, वो लाइव प्रसारण फुटबॉल का था, वो मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था कि चलिए मेरे, मतलब सर, मेरे भैया, आप मतलब इतना अच्छा लगा आपको देखकर, गर्व महसूस हो रहा था कि चलिए मेरे जान पहचान के जो भैया जी हैं, सर हैं, वो कहीं ना कहीं वो खेल रहे हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं, जानकर बहुत अच्छा लगा। सर, ये छोटे बच्चे जो है आज के डेट में फील्ड वर्क ना करके मोबाइल पे गेम खेलते हैं और रात को 11-12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अगर वो देखते हैं
तो ग्राउंड पे जाने के बाद असर तो पड़ता ही है क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी होती। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चों को क्या करना चाहिए? टॉक्सिनेशन कहते हैं, ये डिजिटल टॉक्सिनेशन है जिससे बच्चा, हमें सबसे पहले तो ये पेरेंट्स का जागरूक होना बहुत जरूरी कि एक दिन में एक बच्चे की जो स्क्रीन टाइम लिमिट करें, आप जो कितना घंटा वो स्क्रीन को देख रहा है उसको लिमिट करना बहुत जरूरी है, 3 घंटे 3.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे, और उसके हिसाब से आप समय समय पर बच्चों को फोन दें ताकि उनकी आँखों पर ब्रेन पर कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और वो अपना जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकें, क्योंकि आजकल बहुत बीमारियाँ हैं, बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो इस मतलब देख देख कर इतना टॉक्सिक वो देख देख कर उनका ब्रेन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल जीरो हो गया है, वो जो काम करते हैं उन पर का ध्यान नहीं देता। तो पेरेंट्स से सबसे पहले, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उन्हें इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में, गलत इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो पेरेंट्स को सबसे पहले स्क्रीन टाइम लिमिट करना है और उन्हें जो टाइम वो वहाँ मोबाइल पर लगाते हैं उन्हें जबरदस्ती ग्राउंड पर भेजा जाए, एकेडमी ज्वाइन की जाए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कराइए, डांस में भेजिए, आप स्विमिंग कराइए, गेम्स स्पोर्ट्स कराइए, ताकि उनका फिजिकल एक्टिविटी हो, विकास शरीर का विकास हो, मानसिक विकास हो, और साथ ही साथ वो मोबाइल से दूर रहे। तो आपके दोनों फायदे एक साथ हो सकते हैं अगर आप स्क्रीन टाइम लिमिट करेंगे और साथ ही साथ उन्हें किसी भी किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भेजिए। सर आपका नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट आपको क्या खेलने जाना है, आगे क्या क्या प्लानिंग है आपका? देखिए ऐसे वैसे तो मैं अभी देहरादून में अपनी फुटबॉल एकेडमी चलाता हूँ, तो मेरी मैं अभी नाम से है आपका फुटबॉल एकेडमी, जून एलीट सॉकर एकेडमी देहरादून में है और हम मैं उसको चला रहा हूँ। वहाँ पे अभी मेरे पास लगभग 80 से 90 बच्चे हैं और हम हर स्तर पर कोचिंग करा रहे हैं, हम ग्रास रूट मतलब 6 साल से लेकर हमारे पास 18 साल के बच्चे हैं और 3 अलग एज ग्रुप में टीमें हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अगर आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेलते हैं, बट अभी मेरा फुल कंसंट्रेशन जो है वो फुटबॉल कोचिंग की तरफ है। अब मैं ऑलमोस्ट रिटायर हो चुका हूं, बट मैं अभी भी खेलता हूं अपने टीम के साथ, तो मेरा कोचिंग की तरफ ध्यान है। अभी मैंने FCB लाइसेंस किया है और अब मैं ए लाइसेंस करने के लिए भी 1 साल बाद कोशिश करूँगा। आप कहीं जा रहे हैं सर खेलने आपके विभाग से? हमारे अभी मैं आर्मी टीम को भी कोचिंग करा रहा हूँ, जो अभी महा रेजिमेंट है उसको भी कोचिंग करा रहा हूँ, बाकी अपनी अभी लोकल से हमारे कुछ टूर्नामेंट्स हैं देहरादून में और हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी खेलने जा रहे हैं, बार हल्द्वानी में भी ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रहा है, देहरादून में अभी एक टूर्नामेंट हो रहा है, तो जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम अपनी टीम को वहाँ पे एंट्री देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कंपटीशन। कंपटीशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको गेम टाइम बहुत जरूरी है, तब भी आप एक अच्छे स्तर पर खेल सकते हैं। अगर आप साल भर ट्रेनिंग कर रहे हैं बट एक भी मैच नहीं खेलते बच्चों की, सर एक हम जहाँ तक बच्चों से बात किए हैं सर, वो बच्चे कुछ बहुत अच्छे फुटबॉल में हैं लेकिन जैसे वो क्लब में जाना चाहते हैं, जैसे मोहन बगान हो गया, बॉम्बे में कौन सा फुटबॉल क्लब है कोई? अभी मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी में है, तो जैसे अच्छे अच्छे जो क्लब है वहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं उसका कैसे जा सकते हैं? गूगल में बता रहा हूँ कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, ग्रास रूट से आपको सीखना बहुत जरूरी है, नीचे नहीं। वो सारे बच्चे सब ट्रेनर वो सब ट्रेनिंग कर लिए, जैसे हम पहुंचने तक की बात, वहाँ पे वो ट्रायल्स कंडक्ट कराते हैं, वो लोग उसका जानकारी बिल्कुल नेट पे अवेलेबल रहती है और जो जितने भी क्लब्स हैं बड़े बड़े उसके ISLs की यूथ लीग्स हैं, रिजर्व टीम्स हैं, उसके भी ट्रायल टाइम से टाइम होते रहते हैं, तो जिसको भी वो है उनसे संपर्क कर सकता है और ईजिली वहाँ तक ट्रायल देने पहुँच सकता है और जो डेफिनेटली अच्छा होगा उसका सिलेक्शन भी होना बहुत मतलब ईजी है। और जो बच्चे लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, जो बच्चे बिल्कुल स्पोर्ट्स में करियर नहीं बनाना चाहते हैं, वो पढ़ाई में जाना चाहते हैं लेकिन उनको भी फिटनेस ज़्यादा वैल्यू रखती है, उसके बारे में आपको, फिटनेस तो सबको सबके लिए बराबर है ना? जी बिल्कुल, देखिए पहले ये कहावत भी है कि हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रह सकता है, ये अरस्तु ने कहा है। तो जब उन्होंने ये कहा है कि एक स्वस्थ दिमाग के शरीर में स्वस्थ शरीर में रह सकता है, तो चाहे आपको पढ़ाई करनी हो वो सब मस्तिष्क से होगा, आपके ब्रेन यूज करना पड़ेगा, अगर शरीर स्वस्थ है तो वो चीज़ों पे भी आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे, मतलब उस पर भी अच्छा। मतलब आपके कहने का है अगर वो स्पोर्ट्स में करियर नहीं भी बनाना चाहता फिर भी वो अपना समय निकाल कुछ ना कुछ 1 से 2 घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे वो वॉक करें, चाहे वो मॉर्निंग में रनिंग करें, चाहे वो जिम ज्वाइन करें, चाहे वो कोई रिक्रिएशनल गेम्स खेलें, हॉबी वाला गेम खेलें, डांस करें, स्विमिंग करें, बट कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व रहें, वो आपके लिए भी बहुत काम है। सर आपको बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।